अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है रशीद रज़वी। आप सोच रहे हो रज़वी बोले तो रज़ा बरेलवी को मानने वाला, नहीं, ये रज़वी वो तो शिया है। इसने एक वीडियो शेयर किया है, कलम रिटर्न ऑन द सऊदी फ्लैग बिटवीन टू कैबरा डांसर, और इसराइल एम्बेसी खुलने की खुशी में सऊदी अरेबिया के अंदर यह डांस हो रहा है, बस के इसने ये वीडियो शेयर किया है। और मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली ये है कौन, ये है शिया। अब आप देख सकते हैं हज़रत बीबी मरियम के बारे में कह रहा है, आप इसका बस खाली देखते चाहिए। इमाम रज़ा शराई शेख अजहर नासिर, ये शियाओं को रीट्वीट करता है और उनको पसंद करता है। और ये क्या है, जाफ़र सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बदले में कहता है, ये पूरे शियाओं के देखिए सैयद अहम उसकी रीट्वीट करता है, सैयद साले, ये लोग पूरे, ये ईरानी कट्टर काफिर है, अहलुल बैत बोल के लोग का टीवी चैनल है, उसके कट्टर काफिर है ये लोग जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकते हैं। और इसने एक वीडियो शेयर किया है, आप देख सकते हैं इसका वीडियो, सऊदी अरेबिया का फ्लैग लेके एक डांस हो रहा है, और इसने कहा है कि ये एम्बेसी में हो रहा है, नौज़ बिल्लाह सऊदी में हो रहा है, ये इसने कहा कि ये सऊदी में हो रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह, झूठे के ऊपर अल्लाह की नारत हो। आप देख सकते हैं ये कहाँ पर हो रहा है, ये लॉ ओपरा सेंट टावर के अंदर हो रहा है, जो फ्रांस के अंदर बहुत मशहूर क्लब है। आप चाहे तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, या नहीं तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, आप जाइए ऑनलाइन जाइए, आपको ये आसानी से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं लॉ ओपरा सेंट टावर, ये वही है, ये आप देख सकते हैं लॉ ओपरा सेंट टावर, लॉ ओपरा सेंट टावर, ये फ्रांस के अंदर। और ये मुनाफिक यहूदी कहता है, जुविशिया कहता है, नऊज़ बिल्लाह, ये सऊदी के अंदर हो रहा है। अब आप बोलेंगे ये लोग कलमा लेके क्यों नाच रहे हैं, ये लोग असल बात कलमे की बेइज्जती कर रहे हैं, ये लोग कलमे की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस के अंदर, ये वो फ्रांस है जिसके अंदर अल्लाह के नबी का कार्टून बनाया गया था, ये वो फ्रांस है जहाँ पर बुरख़े को बैन किया गया था, ये वो फ्रांस है जहाँ पर इस्लाम के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। और ये शिया आया ये वीडियो जो इस्लाम की बेइज्जती है उसको बता रहे हैं कि सऊदी में हो रहा है, नऊज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। खैर छोड़िए, ये तो वीडियो आपको बाद में आएगा, मैं आपको एक्चुअली दूसरा वीडियो के लिए बताया था। इनका एक और एक एजेंट है जो सऊदी अरेबिया के अंदर, ये जो 007 बोल के जो है अनडिवाइडेड, ये शिया काफिर है, इसका चैनल यूट्यूब के ऊपर, ये शिया काफिर है, ये शिया काफिर है, ये पूरा इसे मेरी कई वक्त डिबेट हो चुकी है, ये शिया काफिर है। खैर छोड़िए, अब एक है ये ए अली भी शिया है, एक्चुअली ये ए अली भी शिया है। अब ये देखिए ये ए अली शिया है, और इसने एक वीडियो ट्वीट किया है, अब आप ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहूदी और एक अरब डांस कर रहे हैं, बल्कि ठीक है। और याद रखिए वीडियो है, आपने तो ये देख लिया कि सबसे पहले ये किसने ट्वीट किया, ये ईरानी आर्टिस्ट ने ट्वीट किया, उसके बाद में अब देखते हैं कि ये कैसा इंडिया के अंदर उनके एजेंट के थ्रू आता, आज तक सऊदी का विरुद्ध पड़ रहा था। आप देखें किस तरह आले सऊद इजरायली नुमाइंदों के साथ नाच रहे हैं, असल वजह नऊज़ बिल्लाह, आप सुने, इसने कहा है कि किस तरह आले सऊद यहूदी नुमाइंदों के साथ नाच रहे हैं, आले सऊद नाच रहे हैं, वो भी नुमाइंदे के तौर, नऊज़ बिल्लाह, क्यों, ये वही ईरान से कॉपी करा है, क्योंकि ये लोग भी एजेंट है ये लोग, और सऊदी के खिलाफ कट्टर मुसलमान के खिलाफ ये लोग कट्टर दुश्मन है ये लोग। खैर छोड़िए, आपको मैं आगे बताता हूँ ये वीडियो क्या है। सऊदी का विरुद्ध पड़ रहा था, आप देखें किस तरह आले सऊद इजरायली नुमाइंदों के साथ नाच रहे हैं, उसकी असल वजह यह है कि सऊदी में भी अब इजरायल ने अपनी एम्बेसी खोली। नऊज़ बिल्लाह, इसने फिर से झूठ बोला कि नऊज़ बिल्लाह कि इजरायल ने एम्बेसी खोली, इजरायल ने एम्बेसी खोली थी तुर्की के अंदर, अर्दोगान ने खुलवाई थी, अर्दोगान की जो कंट्री है उसके अंदर खुली हुई है, खाली एम्बेसी नहीं कौंसुलेट भी खुला है, वहाँ पर एक एम्बेसी है एक कौंसुलेट है, जाके मालूम करो, इस्तांबुल के अंदर कौंसुलेट है और अंकारा के अंदर एम्बेसी है। इसका मतलब ये है कि अब सऊदी और इसराइल के बाहम ताल्लुकात भी अच्छे और कवी होंगे। इसने फिर से झूठ कहा है, जब एम्बेसी बनी है। खैर छोड़िए, आपको मैं वीडियो के बारे में बताता हूँ कि ये वीडियो आया कहाँ से।
अब ये देखते हैं, ये बहुत सारे झूठे बात स्टार्ट करा, पूरे मुसलमानों के खिलाफ बकना स्टार्ट करा। क्यों? तो ये लोग का भी छे रद्दे वहाबियत, रद्दे वहाबियत तो जो अल्लाह को मानता है उसको रद्द करते ये लोग कह छोड़ी। और आपको यह साबित हो गया कि ये ईरान का एजेंट है, ये लोग रद्दे वहाबियत ईरान के एजेंट का चैनल है। अस्सलाम, अगर इन माफ़ी नहीं मांगा सऊदी अरेबिया की से, माफ़ी नहीं मांगा कि एम्बेसी का वीडियो झूठ बोला, अगर ये माफ़ी नहीं मांगा तो ये साबित हो जाएगा कि ये ईरान का एजेंट है। अस्सलाम, अब आपको देखते हैं कि ये वीडियो आया कहाँ से। अब आप बोलेंगे वीडियो आया कहाँ से, आप देख सकते हैं एक यहूदी डांस कर रहा है किसके साथ, एक अरब के साथ। अब आप बोलेंगे भाई ये सऊदी अरेबिया का हो, जैसा इसने कहा था ईरानियों ने कहा था, और ईरान के जो जो रद्दे वहाबियत का जो छोटा सा बच्चा उसने कहा था, ठीक है। अब आप देखते हैं कि वीडियो कहाँ से आया, तो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो चढ़ गया वो चढ़ गया, नया वीडियो। ये लोग ने कहा कि अभी सऊदी अरेबिया के अंदर एम्बेसी बन रही है और उस पर आले सऊद नाच रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। आप देख सकते हैं ये वीडियो कब का है, 2016 का वीडियो है, 25 दिसंबर 2016, 25 दिसंबर के दिन ये लोग एक ईद मनाती हैं, कौन यहूदियाँ, उसका वीडियो है ये, कह छोड़िए। और ये कौन नाच रहे हैं, सऊदी अरेबिया वाले नहीं नाच रहे हैं, ये नाच रहे हैं ईरानी शियास, और कहाँ पर, बहरीन के अंदर। अभी मैं आपको साबित करता हूँ कि कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है बहरीन में, बहरीन के अंदर अमेरिकन जूश के साथ ये लोग नाच रहे हैं, जिसका नाम है लेजर सेशनार, आप ऑनलाइन सर्च कर लो आपको मिल जाएगा। और कहाँ नाच रहे हैं, बहरीन के अंदर, और 1,48,000 व्यूज़ हो गए, और 2016 का वीडियो है। अभी आपको समझ में आ गया कि रद्दे वहाबियत एक ईरानी चैनल है जो ईरान के तलवे चाटता है। अगर उसने माफ़ी नहीं चाही सऊदी अरेबिया से की, या अल्लाह से माफ़ी नहीं चाहिए कि मैंने एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करा, तो ये साबित हो जाएगा रद्दे वहाबियत बल्कि जो चैनल है वो ईरानी प्रोपेगेंडा चैनल है और ईरानी आईटी सेल का चैनल है। जैसा मैंने आपको साबित किया कि ये लोग सऊदी अरेबिया के खिलाफ कैसा झूठ फैलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।